सो फाइनली गाइज, आज की वीडियो में से अगली बात करने वाले हैं वीवो T3 5G डिवाइस के बारे में। इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें पावर बटन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। ये दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इस मोबाइल में अपने पावर बटन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जब अपने मोबाइल को अगर ऑफ करना हो रहता है या उसको रिस्टार्ट करना रहता है, तो जब अपने मोबाइल को लॉन्ग प्रेस करते हैं इस तरीके से, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को? आपके यहाँ पर गूगल का असिस्टेंस ऑन हो जाता है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर अपने मोबाइल के जो सेटिंग में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पर मिलेगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी। आपको उस पर जो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। तो आपको उस पर जो क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको मिलेगा, देख सकते हैं, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो इंटरफेस खुल के आएंगे। पहले दिया है इनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेन्यू, एंड यहाँ पर दूसरा मिलेगा आपको गूगल लॉन्च गूगल असिस्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मेरा जो यहाँ पर जो है गूगल का असिस्टेंट लॉन्च है। यहाँ पर बटन ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, लॉन्ग प्रेस हो रहा है तो ऑटोमेटिक इसका जो गूगल का असिस्टेंट इनेबल हो जा रहा है। बट यहाँ पर इसको लॉन्ग यहाँ पर इनेबल कर देंगे, इनेबल द पावर एंड इमरजेंसी मेन्यू पर। इस पर क्लिक कर देंगे तो लॉन्ग प्रेस जब करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर लॉन्ग प्रेस, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस जब मैंने किया है तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आ गया है। इस तरीके से जो है यहाँ पर आप पावर बटन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।